राधे राधे दोस्तों, अनुरुद्ध जी महाराज ने संतों के बारे में कितनी अच्छी बात की है, सुने। माता ने लोग गाली दे देते, संतों को अपमानित कर देते, एक बार सोचते क्यों नहीं कि वो संत आप समाज के बीच में ना होते तो तुम्हारी स्थितियां क्या होती। संतों ने व्यवस्थाएं बनाई, क्या तुलसीदास जी संत नहीं? उनकी लिखी रामचरितमानस क्या समाज के काम नहीं आ रही है? क्या उनकी कही गई बातें समाज का भला नहीं कर रही है? क्या स्वामी विवेकानंद जी संत नहीं है? क्या उनके द्वारा कही गई बातें समाज को नया मार्गदर्शन नहीं दे रही है? क्या तुलसी, क्या सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई, क्या ये संत नहीं है? और उनके द्वारा कही गई बातें क्या समाज को आज भी मार्गदर्शन नहीं दे रही? कैसे भला करे भैया, कैसे जन चुकाओ संतों का, गाली देकर चुकाओगे? कैसे न चुकाओगे? इसलिए मेरी माँ, संतों के प्रति श्रद्धा रखो। जो गलत है उसे गलत कहो, मैं गलत हूं तो आप गलत कहो, पर जो सही है उसे सही ही कहो। पर आप भारत के लोग हैं, आप अपने लोग हैं, आप ही अपने साधु संतों को गालियां देंगे तो ये संतों का सम्मान कौन करेगा? और ये संत कोई आपसे प्रॉपर्टी थोड़ी निकलवा रहे हैं कि तुम अपनी संपत्ति हमें देना, दो रोटी की भीख मांग रहे दे देना। क्यों तुम गौरी गोपाल में सहयोग करते हो? तो गौरी गोपाल में सहयोग करते हो तो देखो स्वस्थ है। यहाँ बंदरों की सेवा होती है, बंदरों को चना रोटी केला। यहाँ पर माताओं की सेवा, को स्वस्थी माताएं आप सबके लिए अन्य क्षेत्र खुला, कभी भी आओ भरपेट भोजन मिलना तीर्थ धाम। तो तुम्हारे पैसे के कौन सा हम अपना बंगला बना रहे? जो जरूरत की चीजें मुझको लेनी पड़ती है। अब आपके लिए ये हॉल बनाया, आपके लिए यहाँ पे पंखा लगा, आपके लिए लाइट लगी, ये गद्दा काहे के लिए बिछा है? आपको बैठने में अच्छा लगे, यहाँ इतनी गर्मी है वो भैया पंखा झलका रही है, तो एसी लगाना मजबूरी थी, तो एसी आपके लिए लगाना, कि आप सब फ्रेंड्स बोलो नहीं करना पड़ेगा। ये सोफे इतने सारे रखे हैं काहे के लिए? कि आपको बैठने में आराम हो, आपके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ पाते तो आपको यहाँ बैठते, आप सुनिए ये व्यवस्थाएं आपकी, आपके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। आपकी गृहस्थी में चार लोग होते हैं, आपके परिवार में छह लोग होते हैं, संतों का परिवार बड़ा होता है। आप सब कौन है? हमारा परिवार है। आप तो छह लोगों को भोजन बनाते हैं, परंतु हमारा परिवार तो आप सब हैं, और आप सबका भोजन गौरी गोपाल में बनता है। आप आए हैं तो आप सबको भोजन कराना हमारा धर्म है। अब चाहे हम भीख मांग के कराए या कैसे, हम चोरी नहीं करेंगे, पर भीख मांग के कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे, बस क्या गलत कर रहे हैं बताओ? इसमें कुछ गलत लग रहा? अच्छे काम कर लेते भैया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। दूसरों को क्यों बुरा कहते हो? हम स्वयं बहुत बुरे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। कल भगवान ने गिरिराज जी का पावन दर्शन कराया, गोवर्धन के गाय चलाई, गाय भगवान गोवर्धन को जब स्थापित करते हैं उसके बाद उनके एक लीला हुई, भगवान पिता
को घरों देखता ले गए छुड़ाया सबको वैकुंठ का दर्शन कराया वृंदावन की महिमा सबसे उत्तम। अब देखो आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने। भगवान पिता रात्रि योग माया भगवान पिता रात्रि भगवान आज रास रचाने का मन बना है। इसका मन आज भगवान ने गोपियों को बुलाया निशम्य गीतं तदनंग वर्णनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलो निकुंदला निशम्य गीतं तदनंग वर्णनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा निशम्य गीतम। आज भगवान ने क्रीम बीज मंत्र गाया काम कर रही थी। आज शरद पूर्णिमा की रात शरदोत्फुल्य मल्लिका आज रंग को रमण करने का मन बनाया भगवान ने। योग माया उपासना राधा रानी का आश्रय लेकर आज गोविंद ने अपना विपुलित तट पर जो पास में बजाई श्याम बजैया की। गोपियों को बुलाया आओ 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 गोपियां काम कर रही थी। क्या क्या गोपियां काम कर रही थी? कोई तो हंतियों भी हयो काश्चित तो हम भित्वा समस्त। एक संगी गाय गा रही थी, एक पोछा लगा रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, अभी पेट भरा नहीं था बच्चे का, छोड़कर दौड़ पड़े कृष्ण की। सारा काम छोड़ दिया गोपियों आया। ये गोपियां काम से ज्यादा महत्व भगवान को है। अच्छा बताओ काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण? कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए कि धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? जोर से कर्म आप बताओ, कर्म आप बताओ, कर्म धर्म आप बताओ, कर्म कर्म धर्म आप कर्म आप चश्मा ले रही कर्म। ये दादाजी क्या कह रहे हैं? कर्म धर्म धर्म और कर्म दोनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? क्यों दादाजी? कर्म कर्म बोलो कर्म और धर्म दो चीजें बहुत 80-90% लोगों ने कहा कर्म बड़ा, 5-10% में कह रहे हैं धर्म बड़ा। भैया को सुनाने से काम भैया है किस वक्त भैया 4-6 साल की है पूरी कर लो 4-6 साल तक ना सो तेरी 100 साल सुबक्कर भैया तुम्हारी कोई बातचीत हुई क्या कुंभकर्ण से? हाँ कोई संपर्क नंबर हो तो हमें भी देना, हम भी बात करेंगे कुंभकर्ण से। आप बताओ लोगों ने बताया कर्म बड़ा, ज्यादा लोगों ने, कम लोगों ने बताया? अब देखो आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। आप गलती ये कर रहे हैं कि कर्म को धर्म से ऊपर कर रहे हैं। यदि कर्म धर्म से ऊपर हो जाए
करता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, क्या उसका कर्म सही है? कसाई गाय काट रहा है तो वो कर्म ही तो कर रहा है। शराबी शराब पी रहा है, पूछो क्या कर रहा है? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बकरा काटने वाला बकरा काट रहा है, क्या कर रहा है? अपना काट देता है, रोज मुर्गी के पंख नोच लेता है, कर्म तो वो भी कर रहा है। क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? क्या वो कर्म धर्म युक्त है? बोलो। इसलिए कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो धर्म ही होगा। धर्म के हिसाब से जब कर्म होगा तब वो कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा। यदि आपका होगा, समझ में आई? क्या आपने कहीं ट्रक के पीछे पढ़ लिया होगा कर्म ही पूजा है? वो सेंटेंस अधूरा, कर्म ही पूजा है ये अधूरी बात, कैसे पूजा हो सकता है? फिर तो जो हो रहा है कर्म ही तो हो रहा है। क्यों? कसाई क्या कर रहा है? गंजेड़ी क्या कर रहा है? गांजा पी रहा हो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म पूजा है तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म पूजा है? क्या मांस काटना मांस पकाना ये कर्म पूजा है? कर्म पूजा कैसे होगा भैया? कर्म पूजा नहीं होगा, धर्म ही पूजा होगा। धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जब तक उस कर्म में धर्म नहीं जुड़ता तो कौन सा कर्म? सत्कर्म कि असत कर्म, अच्छा कर्म कि बुरा कर्म? अच्छा और बुरा कर्म को कौन डिफाइन करेगा?